हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। अब इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। एकदम झटपट से बनने वाली रेसिपी है, इसे आप बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसी के साथ हम ये कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को इस तरह से काट लिया है, और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। टमाटर डाला है तो इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक। नमक से टमाटर जल्दी पक जाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालें। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पर ये पनीर लिया है, और इसको मैंने ग्रेट नहीं किया है, हाथों से इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बढ़िया लगते हैं, आप इस तरह से तोड़कर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनकर तैयार होती है। तो जो पनीर हमने तोड़ कर रखा है इसे अब इसमें मिक्स कर देंगे, हाथों से इस तरह से मैश करते जाएंगे। एकदम से हम इसे मैश नहीं करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और बनाने में बहुत ही आसान है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसी ही और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हमने इसे अच्छे से पका लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये लीजिए, हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।